इसे कि अभी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो जो 30 साल पहले हुआ था वो आगे फिर आपको लाइफ देख के भूल जाइए। ये मत सोचिए कि कोई भी मुस्लिम आपके साथ भाई, अगर एक हाथ में वो आपके लिए मिठाई रखा है तो दूसरे हाथ में अपना तलवार लेकर खड़ा है। अगर आज जागरूक नहीं होंगे तो 30 साल बाद आप देख रहे हैं। जय श्री राम, जय हिंद। लक्ष्मी नारायण पिक्चर पैलेस में पूर्वजों के इतिहास देखने के लिए आए संजीव गुप्ता ने कहा, हिंदू भाई जाग जाओ। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से है, जहां बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह भी टिके रहना किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी बात है। यह बात तब और खास हो जाती है जब लगातार फिल्म नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाई कर रही हो। ऐसे ही कुछ चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स शुमार हो गई है। फिल्म का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊंचा उठा, जो लगातार ऊपर जाता जा रहा है। अब फिल्म ने अपने 9वें दिन के कारोबार के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। द कश्मीर फाइल्स को ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 जैसी लोकप्रियता हासिल हुई है। अब कारोबार के मामले में यह फिल्म एसएस राजामौली की फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है। सिर्फ 18 करोड़ रुपए की लागत में बनी यह फिल्म आज 150 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होती दिख रही है। तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, द कश्मीर फाइल्स एक तरफा दौड़ में है, कोई इसे टक्कर नहीं दे पा रहा। फिल्म ने 9वें दिन 8वें दिन से भी ज्यादा कारोबार किया है। यह फिल्म बाहुबली 2 की ही तरह दूसरे सप्ताह भी ट्रेड कर रही है। प्रबल संभावना है कि फिल्म 10वें दिन 28 से 30 करोड़ तक का बिजनेस करने में सफल रहेगी। वहीं बिल्था रोड के लक्ष्मी नारायण सिनेमा हॉल में जो फिल्म 18 मार्च से दिखाई जा रही है, जानकारी के अनुसार सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। दूर दूर से दर्शक इस फिल्म को देखने आ रहे हैं और फिल्म को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। नगरा से पहुंचे संजीव गुप्ता ने कहा कि हम अपने पूर्वजों के इतिहास देखने के लिए आए हैं। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पड़ेगा आपका संजीव गुप्ता, कहाँ से आए हो? नगरा से। अच्छा, अभी आप नारायण लक्ष्मी पिक्चर हॉल पे खड़े हो, क्या किस लिए आए हो? यहाँ हम आए थे अपने इतिहास को देखने के लिए, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था जो उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, आखिर वहाँ से हिंदू ही क्यों प्लान किए, वहाँ से मुस्लिम प्लान क्यों नहीं किए, और यही इतिहास हम देखने आज यहाँ आए हैं लक्ष्मी नारायण दूसरा रोड। और हम नगरा से हैं, हिंदू युवा वाहिनी के नगर उपाध्यक्ष हैं नगरा के। अभी आपने जितनी भी पिक्चर देखी इसमें आपको क्या स्टोरी समझ में आई? स्टोरी इसमें यही समझ में हमको अभी तक आई है कि वहाँ पर बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनको शिक्षा दिया उनके साथ वो अपने गुरु के साथ ही गुरु का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी सबको तो वो काफी नहीं समझ रहे हैं अपनी भाषा में। किस तरह का सम्मान, जैसे क्या आप कुछ बताएंगे उस किस तरह का सम्मान की बात कर रहे हैं? उनको तो सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि ये हमको छोटे बचपन में हमको शिक्षा दिए थे, हमारे गुरु हैं, इनका हमको सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले अगर किसी को प्लान कराना चाहते थे तो अपने गुरु की फैमिली को ही कराना चाह रहे थे, अपने गुरु को छोड़कर उनके फैमिली में के जितने भी मेंबर हैं उनको सबने उन्होंने मार दिया, उनकी बहू और उनको छोड़कर। इस पिक्चर को देखने के बाद प्रेरणा क्या मिल रही है आपको? इस पिक्चर को देखने के बाद हम यही कहेंगे अपने हिंदू भाई से कि अभी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो जो 30 साल पहले हुआ था वो आगे फिर आपको लाइफ देखने के लिए मिलेगा। किस तरह का जागरूक करना चाह रहे हैं? जागरूकता यही कर रहे हैं कि आप अपने भाईचारे को भूल जाइए, ये मत सोचिए कि कोई भी मुस्लिम आपके साथ भाई का व्यवहार कर रहा है, अगर एक हाथ में वो आपके लिए मिठाई रखा है तो दूसरे हाथ में अपना तलवार लेकर खड़ा है, इसके लिए आप जागरूक होइए। अगर आज जागरूक नहीं होंगे तो 30 साल बाद आपको वही देखने को मिलेगा जो आज कश्मीर में देख रहे हैं। जय श्री राम। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।